أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام المبين، بقية الله في الأرضين، وحجة الله على الخلق أجمعين الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين आज रमजान मुबारक के आखिरी अयााम हैं कुद्स यामक़ विदा और ये वो अज़ीम दिन है जिस दिन को रहबर इनकलाब बानी बानियलाब इम खुमी रज़वान्ल त ने रमज़ानमबारक के आखिरी जुमे को यौमुल कदस के नाम से मौसम किया और आलम इस्लाम से अपील करते हुए फ़लस्तीन मेंद्स की आज़ादी तक के लिए एक तहरीक का आगाज कर दिया कबीर इनकलाब हज़रत इमाम ख़ुमैनी एक मौके पर परोम कच्छ की अहमियत बयान करते हुए कहा था यौम कच्छ एक आलमी दिन है ये दिन सिर्फ़ कुछ से मखसूस नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुस्तबरी आलम से मुतअफीन आलम के मुकाबले और इस्तकामत का दिन है ये तमाम सामराजी ताकतों के ख़िलाफ़ कमज़ोरों और महरूमों की दायमी जंग व पेकार का दिन है इन तमाम कौमों की जद्दहद और काजार का दिन है जो अमरीका और उसके हम कबील व हम फिक्र दूसरे सामराजी मुल्कों की ज़्यादियों का शिकार हैं उस दिन बड़ी ताकतों से मुकाबले के लिए मुस्फीन को लेस होकर दुश्मनों की नाक खाग में मिल देना चाहिए योम कुद्स इस्लामी दुनिया के मुनाफिक चेहरों और कदस फ़लस्तीन के वफादार मुसलमानों की शिनाख्त तो पहचान का दिन है जो मुसलमान हैं कुद्स की आज़ादी के लिए आलम इस्लाम के दोष बदोष मुजाहरों में शर् होकर फ़लस्तनी जाँबाज़ों की हमायत का यकीन दिलाते हैं और मुनाफीन सुहूनीतों के साथ मिलकर साजिशें रचते और अपने ज़ैर अकतदार मुसलमान मिलतों को यमुलकदस के मुजाहरों में शिरकत की इजाज़त नहीं देते आज तमाम दुश्मनान इस्लाम मायूस हो चुके हैं मुसलमानों के सफ़ू में इतहाद यकजहती का जज्बा बेदार हो चुका है दुनिया के गोशों किनार में इस्तकामत का बोलबाला है जिससे खौफ हरास है आज इसराइल सुहूनी हुकूमत खौफ हराज में मुबतला है आज देखें आप जब इसराइल के अंदर बरबरीत से जब ये पेट नहीं भरा तो दुनिया के गोशों किनार में मुसलमानों के अंदर तफरीका अंदाजी करने के लिए मुसलमानों के सफ़ों को तोड़ने के लिए उनके इतिहाद को तोड़ने के लिए तरह तरह के साजिशें रचा रहे हैं उन्हीं साजिशों का एक हिस्सा है कि कल इमाम मस्जिद इमाम अली कश्मीर के अंदर जिस पर हमला हुआ ये दुश्मनों का एक साजिश है ताकि वो मुसलमानों के आपसी इतिहाद को तोड़ दें हम ऐसे साजिशों और ऐसे भुजदलाना हरकतों की पुरजोर अल्फा में हम मजम्मत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने सफ़ों को मतहद करें इतहाद यकजहती का मुजाहरा करें जब तक हमारे सफ़ों में इतिहाद यकजहती पैदा न हो तब तक हम किसी भी तरह से सर उठाकर और इफ्तार के साथ हम जिंदगी नहीं गुजार सकते लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने इलाकों के अंदर अपने इलाकों में अपने जमातों के अंदर अपने सोसाइटी समाज के अंदर इतिहाद यकजहती पैदा करके अपनी इज्जत और आबरू को बचाएँ और तरक्की और पेशर के लिए जब तक इतहाद और यकजहती ना हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते अख्तिलाफ़ वही चीज़ है जो दुश्मनान इस्लाम चाहता है दुश्मनान इस्लाम हमेशा हमारे सफ़ों में अख्तिलाफ डालने की कोशिश करता रहा है और आज भी कोशिश कर रहे हैं और हम जाने या अनजाने में हम दुश्मनों के साजिशों के शिकार हैं और हम अपने सफ़ों में इतहाद यकजहती पैदा करने में हम नाकाम हुए हैं लिहाजा आज के इस अजीम दिन के मौके पर तमाम मुसलमान इस्लाम को ईदुलफितर का मुबारकबाद पेश करते हुए हम मुसलमान आलम से तो करते हैं और उम्मीद करते हैं और हमारे ममिन से अपील करते हैं कि अपने सफ़ों को इतिहाद यकजहती से और हमदिली से जज्बे के साथ जोश के साथ हम मजलूमों का साथ देने के लिए अपने आप को तैयार करें और मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करें इस्तबारी ताकतों के खिलाफ उनके मुकाबले में इस्तकामत का मुजाहरा करें इन रहमान हम दुआ करते हैं कि परवरदगार हम सबको मज़लूमीन का साथ देने और ालूमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के हमें तोफ़ीक अता फ़रमाएँ इन श्लमान आज का ये दिन मुसलमान आलम के लिए इफ्तार का दिन होगा इन वो दिन दूर नहीं जिस दिन मजलूम फलस्तियों को फ़तह कामरानी के साथ मस्जिद अफसा जो कबल अव्वल है जिस मस्जिद से हमारा अक़ीदा व ईमान जुड़ा हुआ है आज वही लोग बैतलमस के आज़ादी के लिए जद्दजहद करते हैं जिनका अकीदा अल्लाह के ऊपर है जिनका ईमान अल्लाह के ऊपर कयामत के ऊपर है वही लोग इस मजलूम कौम की हमायत करते हैं और मस्जिद अकसाद की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और मुस्तबरी जहान के जुल्लत रसवाई के लिए तगो और कोशिश करते हैं इनशाल्लम खुदा हम सबको दुनिया में इफार के साथ और आखरत में सदतुनिकी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमा वालकम वल् व